दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप सिंह एकेडमी में। दोस्तों आरआरबी एसएससी के बाद हम लेकर आए हैं शिक्षक वर्ग तीन की सीरीज, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। शिक्षक वर्ग तीन के जितने भी सिलेबस है पूरे कवर करेंगे, आपका पर्यावरण अध्ययन, आपका बाल विकास पेडागॉजी, साथ ही साथ जो सामान्य मैथ्स आती है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसके बाद आरआरबी एसएससी या बैंक पीओ की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तैयारी में जुड़ जाए। हम देते हैं आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी, साथ ही साथ करवाते हैं शिक्षा की तैयारी। तो दोस्तों बाल विकास और पैदावारी संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। इसी प्रकार के कम से कम 50 वीडियो आपको इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो बढ़ रहे हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज में सी टेट, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल की तैयारियां कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, आरआरबी जूनियर इंजीनियर की एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप 40% की छूट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड DEEMGOV40 का उपयोग करना होगा। इससे आपको टेस्ट सीरीज में 40% का लाभ मिलेगा। तो आज ये परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। साथियों आपको हम बता दें कि इससे पहले हम काफी सारे आपके लिए वीडियोस बना चुके हैं आपकी परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए, आप देख सकते हैं जाकर। लगभग हमने अभी तक यहां पर 12 वीडियोस आपके लिए बना दिए हैं बाल विकास से संबंधित। तो यह एक और नया भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। साथियों आने वाले समय में हम और भी काफी सारे वीडियोज इसी विषय से संबंधित आपके लिए लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन। तो सही उत्तर है यहाँ पर बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा पॉइंट, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित हैं। तो यहां ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ए है वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु की शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। तो सही ऑप्शन है बी, संपूर्ण विषय वस्तु की शामिल करने। चलिए तीसरा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो क्या दृढ़ विश्वास है? अब ऑप्शंस पढ़ें और उत्तर लगाएं कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा प्रश्न, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए और परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? वह है बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। पांचवा प्रश्न, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम कि यहाँ किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन देखिए, सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना या सीखने की तत्परता। तो सही उत्तर है यहाँ पर ए, सक्रिय भागीदारिता। चलिए छठवां, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक? तो ऑप्शन लगाएं। सही उत्तर है ए, सामाजिक। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति? तो सही ऑप्शन यहां पर ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलिए आठवां प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह यहां पर देख सकते हैं से प्रभावित होती है। तो यहां पर ऑप्शंस देखें क्या है,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, या सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, या डी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आठवें का, वह है सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, नौवा, राज्य स्तर के एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, या गतिशील चिंतन। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ए लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए दसवां, बीजों के अंकुरण संकल्प के संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति, तो यहाँ पर क्या है, आप पढ़ें और उत्तर लगाएं। सही उत्तर है बी, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। चलिए ग्यारहवां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर है ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बारहवां प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बैठने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो सही ऑप्शन लगाएं, उत्तर है बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तेरहवां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तो यहां ऑप्शन आप देख सकते हैं, सही उत्तर बताएं, वह है बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तेरहवां प्रश्न, समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा बताइए, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने संबंधित, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, और दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्य की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, तो बताएं क्या है यह, वह बी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। चलिए पंद्रहवां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो सही ऑप्शन है डी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य। तो सोलहवां प्रश्न है, इसका सही उत्तर डी है सत्य असत्य। सत्रहवां, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, ऑप्शन पढ़ें और लगाएं। सही उत्तर है डी व्यवस्था फेल हुई है। चलिए अठारहवां प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे आप बताएं, पढ़ें यहां पर ऑप्शन। सही उत्तर है डी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। चलिए नेक्स्ट, उन्नीसवां, मानव व्यक्ति परिणाम है किसका, केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो सही ऑप्शन है सी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। बीसवां प्रश्न, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शंस पढ़ें। सही उत्तर है बी बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। 21वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही बताएं क्या है, ए बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, ठीक है, ए यहाँ पर है, बी है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, और सी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, और डी इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए बच्चों की विभिन्न दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। चलिए 22वां प्रश्न, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है, तो बताएं किसकी ओर। तो सही उत्तर है सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। चलिए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक, अनुभाविक,
भावात्मक या आध्यात्मिक? तो सही ऑप्शन है बी अनुभविक। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शंस पढ़ें, उत्तर लगाएं कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है सी समस्या के प्रति जागरूकता। चलिए 25वां प्रश्न, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन सही उत्तर है, जैसा कि समझ में आ ही रहा है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 26वां है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिककरण से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आप पढ़े, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना या सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। तो सही ऑप्शन है डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलिए नेक्स्ट 27वां प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना से सीखते हैं, यह उपागम किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन? तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए ज्ञान के निर्माण। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देख सकते हैं विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, या बी ऑप्शन विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऐसी ऑप्शन विकास हमेशा रेखीय होता है, या डी ऑप्शन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर बी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। 29वां प्रश्न, जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे का क्या कारण है रोने का? वियोग, दुश्चिंता या सामाजिक या संवेगात्मक या अजनबी? तो सही ऑप्शन है सी संवेगात्मक दुश्चिंता। 30वां प्रश्न, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है क्या है? तो यहां पर काफी सारे ऑप्शन है, शारीरिक आध्यात्मिक संज्ञानात्मक और सामाजिक, या शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और शारीरिक। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और शारीरिक। यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस और उनके उत्तर यहाँ देख सकते हैं, जैसे ए का बी, 11 का ए, 21 का ए, ये पूरे 30 प्रश्न के यहाँ पर सही उत्तर हमने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताए हुए हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए पेडागोजी संबंधित 30 प्रश्न और उनके यहाँ पर हमने आपको उत्तर बताए हैं, आगे हम आपके लिए और भी काफी सारे प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि समय पर आपको आपकी परीक्षा संबंधित तैयारियों के लिए वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।